अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सना काशिप। आइए उर्दू ए का लेक्चर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में नज़म शुरू की थी, हम्द है जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे हैं और हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि शुक्र तेरा खुदाया कि तूने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं इस दुनिया में। जो कुछ भी दुनिया में बनाया है अल्लाह ताला ने, वो सब हमारे लिए बनाया है। इस पर हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। और सबसे पहले हमने दो अशआर में देखा था कि अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं कि जो कुछ भी दुनिया में नज़र आ रहा है अल्लाह ताला वो तेरा ही बनाया हुआ है, कि ज़मीन और आसमान को भी इतनी तरह से तूने हमारे लिए सजाया है, इतने उसमें हमारे लिए अट्रैक्शन रखी है, इतनी कशिश रखी है, इतनी खूबसूरती रखी है कि हम खुद ब खुद जो है वो जब देखते हैं इस खूबसूरती को, इस कुदरत को अल्लाह ताला की, तो हम सुभान अल्लाह कहते हैं। अच्छा जी, अगले दो अशआर हैं, आज हम वो पढ़ते हैं। पहाड़ और दरिया भी तूने बनाए, दरख्त और पौधे भी तूने उगाए, दरख्तों पे फल फूल तूने लगाए, जो सारे हमारे बड़े काम आए। यानी अल्लाह ताला ने पहाड़ और दरिया पैदा किए। दरिया से हम जितना चाहे पानी ले लें, हमें खूबसूरत भी नज़र आता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम दूर दूर से देखने जाते हैं। पहाड़ों में खूबसूरती अल्लाह ताला ने अलग से रखी है। दरख्त और पौधे, दरख्त उगाए अल्लाह ताला ने, पौधे बनाए अल्लाह ताला ने, उगाए उनको ज़मीन से जिन पे फल सब्जियां लगती हैं। दरख्तों पे फल फूल फूल लगते हैं पौधों पर, वो अल्लाह ताला ने ही लगाए हैं। और ये सारे पहाड़ अलग तरह से हमारे काम आते हैं, दरिया के अलग फ़ायदे हैं। दरख्त और पौधे ना हों तो हमारी ज़िंदगी में कोई बहारी ना हो, कोई रंगीनी ना हो। हम फल और फूल जो हैं, सब्जियाँ जो हैं, वो पौधों से ही तो हासिल करते हैं, दरख्तों से हासिल करते हैं, हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, मतलब हर तरह से बहुत ज़्यादा हम इनसे काम लेते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे हमारे बड़े काम आते हैं। यहाँ आज की रीडिंग की डेट लगाएं आप। हमने ये दो अशआर पढ़े हैं, इनको समझा है, इन्हीं की इमला की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। पूरे पूरे अशआर जो हैं ये आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने हैं। उसके अलावा आपको मैंने उर्दू गिनती शुरू करवाई थी, 1 से 20 तक गिनती आपको मैंने पहले लेक्चर में दी थी। आज आपने 21 से 40 तक गिनती, उर्दू गिनती अपनी कॉपीज़ पर लिखनी है। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।